आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से टीडीएस की अदम अदायगी के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाई, दफातीर और मकानात पर किए गए धावे। नारायणगुड़ा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे डकैती की वारदात को हल कर लिया, 2 लाख रुपए नकद रकम व दीगर अशिया की गई बरामद। शमसाबाद मंडल में वाक़े जूनियर कॉलेज में तालिबान शॉर्ट सर्किट की वजह से हलाक, कॉलेज इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम, आरजीआईए पुलिस ने की जाब्ते की कार्रवाई। जुबली हिल्स पर बड़े पैमाने पर ड्रंकन ड्राइव मुहिम, 59 केसेस किए गए दर्ज, मोटर कारें और बाइक्स की गई जब्त। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने सिद्दीपेट और तूपरान का किया दौरा, तरक्याती कामों का किया गया इफ्तिताह, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया गया आगाज। देखते हैं खबरों की तफसील। टीडीएस की अदम अदायगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महकमे इनकम टैक्स के अहदेदारों ने तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई की और तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स के मकानात और दफातर वाक़े कृष्णा नगर और जुबली हिल्स में धावे किए गए। तफसीलात के मुताबिक जिन प्रोडक्शंस को नोटिसें जारी करते हुए कार्रवाई की गई उनमें सुरेश प्रोडक्शंस, भव्या क्रिएशंस, हरिका हंसी, डीवीवी क्रिएशंस, नॉर्थ स्टार एंटरटेनमेंट, सीके एंटरटेनमेंट और दीगर शामिल हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स सी कल्याण कुमार, राधा कृष्णा के अलावा दीगर इस धावे में मुतासिर हुए हैं। नारायणा जूनियर कॉलेज वाक़े शमसाबाद मंडल में इंटर साले अव्वल के तालिबे इल्म ने शॉर्ट सर्किट की जद में आकर अपनी जान खो दी। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद काशिफ कॉलेज अहाते में शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गए। इतला मिलते ही आरजीआईए पुलिस ने नाशोबर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकल किया, जबकि इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। मुतवफ़ी तालिबे इल्म के वालदेन ने कॉलेज इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है और पुलिस से मुतालबा किया गया है कि कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आना पेर मोहम्मद काशिफ, नील तागनी को वेते शार्ट कोट्टिंदी, इंका नील तोनी इंका कोट्टिन शार्ट शार्ट कोट्टिन तर्वात इक नील उंटे किंद पैर कालकाड अयिते పైన బాల్కనీ నీళ్ళు తాగడానికి పెడితే అక్కడనే పైన పట్టుకుంది పైన పుండాడా ఆయననే పట్టుకోండి, పోయి పోయి పట్టుకుతే షాట్ కొట్టింది ఆ బాల్ కింద ఉండే అది గుంజనీకి పోయింది। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने पेद्दापल्ली गोदावरी खानी में मुनक़िद एक तकरीब से मुखातिब करते हुए बताया कि मुजरिमीन को सजा का डर होना जरूरी है और इस सिलसिले में रियासत भर में पुलिस की जानिब से मुजरिमाना पेशावर अफराद की निशानदेही की जाएगी और जियो टैगिंग के जरिए उनके मकानात को भी निशानदेही मिलाया जाएगा। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन पर भी जोर दिया कि वो फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत इकदाम करें। इस इजलास में आईजी नागी रेड्डी, सीपी पेद्दापल्ली विक्रम दुग्गल और डीसीपी वेणुगोपाल राव के अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। इस तकरीब में होमगार्ड्स एसोसिएशन की जानिब से डीजीपी तेलंगाना को तहनियत भी पेश की गई। दीनलो भागंगा मतम एंटायर तेलंगाना राष्ट्रम अंता कोडा ओकटे पद्धतिलो पोलीसिंग सर्विसेस ఇవ్వడానికి ఒక కన్సిస్టెన్సీ అండ్ రిలయబిలిటీ అంటే ఒక పిటిషనరు
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అయినా, రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ అయినా, ఎక్కడో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అయినా, నిజామాబాద్ జిల్లా అయినా, హైదరాబాద్ సిటీ అయినా, ఎక్కడికి వెళ్లినా ఏ नारायणगढ़ पुलिस ने अंदरून 24 घंटे डकैती की वारदात को हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 2 लाख रुपए नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की। एसीपी एबिट्स डिवीजन सी भिक्षम रेड्डी के मुताबिक नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में हुई वारदात को हल करते हुए पुलिस ने 25 साल मोहम्मद फहीमुद्दीन साकिन अमान नगर ए को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2 लाख रुपये नकद रकम और दीगर अशिया भी बरामद की गई। A complaint Gopi Krishna, a brightening gas service, वो संतोष नगर में उसमें काम करते हैं, एज मैनेजर काम करते हैं। उनके पास फहीमुद्दीन उनके एक टेक्नीशियन रहते हैं, इन कॉल ऑन कॉल, और कोई घरों में गैस स्टोव का कुछ रिपेयर है तो उनका गैस एजेंसी से इनको भिजा के ठीक करवाते। ये फहीमुद्दीन उनके पास 1.5 साल से काम कर रहा, रिलेबल था। सो कल उनको 2 लाख रुपया दे के सुबह 9:45 बजे ये नारायणगुड़ा पे कृष्णा रेड्डी बोल के उनका पहचानत आदमी है, उनको देने के लिए बिछाया। उन्होंने उनको मोटरसाइकिल पे वो पैसे लेके कवर में मोटरसाइकिल का टैंक के ऊपर कवर में रख के ये नारायणगुड़ा पे आए। उनको देने को आए तो इन्हों 10:45 बजे आके फिर उनका गोपी कृष्ण को फ़ोन करके मेरे के एक आदमी छा को बता के 2 लाख रुपया छीन कर गया बोल के उनको इन्फॉर्मेशन दिया। इतना में कृष्णा रेड्डी भी वहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करे, फिर ये गोपी प्रकाश वो मैनेजर भी आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे ये मामला वो बोल के। उसमें नारायणगुड़ा इंस्पेक्टर साहब और SI कबीरुद्दीन और DSI शंकर ये स्पेशल टीम्स बना के उनसे बातचीत करके उन्होंने कौन सा रास्ता से आया, किधर से निकले, पूरा वेरीफाई करते हुए एन रूट में SOCC कैमरा चेक करते हुए आया। आते जहाँ चोरी हुआ उसको चाकू बता के उसको उससे 2 लाख रुपया छीन के लेके गया बोल के वो जगह बताया। वहाँ आसपास में कैमरा चेक करे, उन्होंने अपने इंक्वायर में क्या बताया, उन्होंने मोटरसाइकिल में आके वहाँ रुक के टेलीफोन बात कर रहा था। बीच में एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी आया, एक हेलमेट लगाया और एक जर्किन पहन के आया बोल के बताया। आसपास में ऐसे CC कैमरा में चेक करे तो अपना जाह्नवी डिग्री कॉलेज का एक कैमरा है और वहाँ एक MRF फ्रेंचाइजी शॉप है प्रजय प्रकाश टायर हाउस बोल के, उनका CC कैमरास में चेक करे। और उसके अलावा ये पुलिस कम्युनिटी CC कैमरा वहाँ भी है, ये तीनों कैमरास वेरीफाई करने से वहाँ ये आदमी आया वहाँ मोटरसाइकिल में आया, इसके पीछे गए और आगे भी कोई भी नहीं आया, इसके साथ कोई भी चाकू बता के और ये पैसे छीने ऐसा नहीं आया, ये कहानी बता रहा बोल के मालूम हुआ। और उनका सेलफोन जो टावर्स है वो पूरा टाइमिंग चेक करते हुए उसमें करे तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने से ये चोरी नहीं हुआ बोल के साबित हुआ। और ये पैसे उन्होंने अभी ब्राइटनिंग गैस एजेंसी में काम कर रहा ना, उन्होंने खुद एक गैस एजेंसी एक रिपेयरिंग शॉप खोल के ये गैस स्टोव रिपेयरिंग करेंगे बोल के उन्होंने सोचा था। उसके वास्ते ये पैसे ले जाके उसके दोस्त के पास रखे, आते आते दोस्त के पास रख के यहाँ के ये कहानी बता के उनको ओनर को बताया। बाद में ये इन्वेस्टिगेशन में पूरा गलत हुआ बोल के साबित हुआ। کلہن مسجد المسلمین کی اسمبلی متعلقہ حلقہ جات میں پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کا تیقن بھی دے رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد برالہ نے چادر گھاٹ، موسا نگر، کمل نگر اور اطراف اکناف کے علاقہ جات میں GHMC اور اداروں کے ہمراہ تفصیلی دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے مقامی عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد عہدیداروں کو مسائل حل کرنے کی جانب توجہ بھی مبذول کروائی۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ابرار محی الدین کے علاوہ سرگم مجلسی کارکنان سید علیم، صالح بلالہ، محسن پیر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
سہارا ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سرکاری اسکولز کے طلبہ و طالبات میں آل ان ون بکس کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے. اس سلسلے کے تحت ماتحمد عمومی رکن اسمبلی کل ہند مجلس المسلمین سید احمد پاشا قادری نے آرمور نظام آباد میں طلبہ و طالبات میں آل ان ون بکس کی تقسیم عمل میں لائی. اس موقع پر ڈپٹی میئر نظام آباد محمد فہیم الدین کے علاوہ صدر ابتدائی آرمور قاسم علی گورے میاں اور دیگر مجلس قائدین بھی موجود تھے. پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہے ہیں, ایسے ماں باپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کش ہے. ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت تعلیم کے میدان میں اتنا کام نہیں کرتی جو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے. ہم صرف مخالفت میں نہیں بول رہے یا اپنی جماعت کی تعریف یا جماعت کے لیے کوئی غلط پر بول لگا, آپ جائزہ لیجیے. ایسی جماعت تعلیم کے میدان میں کام نہیں کرتی اور نہیں کرنا چاہتی, ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, مجبوری ہے, کیونکہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, اس کو آگے بڑھنے سے روکنا, یہ سلسلہ رہتا ہے. تو ان کا نظریہ ہے تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ کرے تو ہماری قیادت پر یہ کل مسلط ہوں گے. مسلمین اس نظریے کی سختی سے مخالفت کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی آگے بڑھو, کوئی بھی ترقی کرو, کوئی سروکار نہیں. ہم تمام ہندوستان کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے آزادی کے ساتھ, چاہے وہ کسی فرقے یا طبقے کا ہو. کسی کا بھی مستقبل بغیر تعلیم کے روشن نہیں ہوتا, اور یہ سالارِ ملت ماڈل پیپر کی وجہ سے حوصلہ افزا نتیجے نکل رہے ہیں, اور طلبہ طالبات کا اصرار ہے کہ اس کو اس سلسلے کو جاری رکھے. جب سے ہم نے یہ ماڈل پیپر شروع کیا ہے, ہمارے جو بھی اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ لڑکے یا لڑکیاں محنت کر رہے ہیں, ان کا اعتراف ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو کافی مدد ملی اور ہمارے اسکول کا ہمارے پاس نتیجہ بہتر نکلا. آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. اور اس میں نصیب ملت وسعت دینا چاہتے ہیں اور توسیع کرنا چاہتے ہیں دیگر. ریاست تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے میدک اور سدی پیٹ دورے کے دوران مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. ضلع میدک کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے توپران میں 50 بستروں والے دواخانے کا افتتاح انجام دیا. افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے دواخانے کے وارڈز کا بھی معائنہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ توپران منڈل میں 1 کروڑ روپے کے مصارف سے کمیونٹی ہال بھی تعمیر کیا جائے گا. انہوں نے مزید بتایا کہ توپران میں سی سی روڈز ڈرینیج کی تعمیر کے لیے 5 کروڑ روپے منظور کیے جائیں گے, جبکہ 20 لاکھ روپے کے مصارف سے شادی خانہ بھی قائم کیا جائے گا. وزیراعلیٰ نے کہا کہ توپران ہی میں 500 ڈبل بیڈ روم مکانات کو منظوری دی جائے گی. کیسیا نے توپران میں ڈگری کالج کی منظوری کا بھی اعلان کیا. انہوں نے اپنے دورے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گجویل میں 100 بستروں کے سرکاری ہاسپٹل کے جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے توپران میدک ڈسٹرکٹ میں 50 بستروں پر مشتمل دواخانے کا افتتاح انجام دیا. بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں بتایا کہ تلنگانہ حکومت ریاست کی عوام کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے, اور جب سے ٹی آر ایس برسر اقتدار آئی ہے تب سے سرکاری دواخانوں میں خانگی دواخانوں کی طرز پر علاج کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے حاملہ خواتین کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے ان کی بہتر صحت کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں, اور زچگی تک 12,000 روپے فراہم کرنے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر وزیر صحت لکشمن ریڈی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. قبرستان کمپاؤنڈ وال کو 15 لاکھ کاوالن کورنارو دانی کو منظور چیستم. ادے ودھنگا డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఒక 500 కావాలని అడిగినారు. ప్లేస్ చూడాలని నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారికి చెప్తాను. ఉందా ప్లేస్? ఉంది. ఇది కూడా కట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కూడా 500 హౌసెస్ మంజూరు చేస్తాం. ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి కూడా, ఈరోజు గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో మనం ఒక గజ్వేల్లో కమ్యూనిటీ హాల్ కడతా ఉన్నారు ఆడిటోరియం. మిగతా 6 మండలాలలో మంచి కమ్యూనిటీ హాల్స్ లేవు, ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే లేవు. 6 మండల కేంద్రాలకు కూడా దానిలో తూపాన కూడా ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, మనోహరాబాద్ కూడా వస్తుంది. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క 1 కోటి రూపాయలు చొప్పున మంచి హాల్ కట్టే విధంగా అది ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, ఇంటరాక్షన్కి ఉపయోగపడాలి, ప్రభుత్వానికి ఉపయోగపడాలి, అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టు మంచి టైప్ డిజైన్తోని జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి గారికి రాత్రి నేను చెప్పడం జరిగింది.
टीआरएस रुकने असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। इस मेमोरेंडम में नुमाइंदगी की गई है कि सहाफियों, सरकारी मुलाजमीन और वजीफे आबान को जो हेल्थ कार्ड से तकसीम किए गए हैं उन पर इलाज को यकीनी बनाया जाए। दवाखानों में इलाज से इनकार किया जा रहा है, इसलिए रियासत के तमाम खानगी दवाखानों को हिदायत दी जाए कि वो सहाफियों, सरकारी मुलाजमीन और वजीफे आबगान को दवाखाने में शरीक होने से डिस्चार्ज होने तक का इलाज मुकम्मल करें। टीआरएस रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसके बारे में तफसीलात बताते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी की है कि सहाफियों, सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़याबों को जो हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं उनका बाज़ खानगी दवाखानों में इलाज करने से इनकार किया जा रहा है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम खानगी दवाखानों को ये हिदायत जारी करे कि वो सहाफ़ियों, सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़याबों को दवाखाने में शरीक होने के बाद से डिस्चार्ज होने तक मुफ्त इलाज करने के इकदाम करे। उन्होंने बताया कि बाज़ दवाखानों में हेल्थ कार्ड को तस्लीम भी किया जा रहा है और एसी रूम फरहम करते हुए बेहतरीन इलाज भी किया जा रहा है। इसी तरह तमाम खानगी दवाखानों में ये सहूलत फरहम की जानी चाहिए। उद्योग उपाध्याय कार्मिक पेंशनर जर्नलिस्ट हेल्थ कार्ड्स कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अडमिट तरणमे మళ్ళీ వాళ్ళను మేము చేర్చుకోము ఇంకో హాస్పిటల్ కూడాని అక్కడక్కడ కొన్ని జరుగుతున్నాయని మా దృష్టికి రావడం జరిగింది। ఈ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ అన్నిటిని కూడా నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది। ریاست تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے پیپلز پلازا پر منعقدہ ایک تقریب میں 102 اور 108 سروسز کا افتتاح ملا۔ انہوں نے دو پہیوں اور چار پہیوں والی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر صحت لکشما ریڈی کے علاوہ ریاستی وزیر افزائش مویشیان شنواس یادو اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پیپلز پلازا پر منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی اور 102 کے علاوہ 108 سروسز کا افتتاح عمل ملاتے ہوئے دو پہیوں اور چار پہیوں والی گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 102 اور 108 سروس کا جو افتتاح انجام دیا ہے اس سروس کو تلنگانہ کی ٹی آر ایس حکومت نے دوبارہ کارگر بناتے ہوئے فوری طور پر طبی امداد پہنچانے اور مریضوں کو فوری طور پر دواخانے تک پہنچانے کے لیے تمام تر سہولتیں فراہم کی ہے۔ واضح رہے کہ آن جہانی وزیر اعلیٰ راج شیکھر ریڈی نے متحدہ ریاست میں 108 سروس کا آغاز کیا تھا۔ ریاستی صدر بھارتیہ جنتا پارٹی ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ پنچایتی پالیسی پر پیش کیے جانے والے بل سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ کل جماعتی اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت سرپنچ کے راست انتخابات اور شاہراہوں اور دیگر کے تعمیری کاموں کے لیے فنڈز جاری کرے گی تو بی جے پی اس بل کا خیر مقدم کرے گی۔ صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن نے بتایا کہ پنچایتی پالیسی پر حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے بل سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ کل جماعتی اجلاس طلب کرتے ہوئے اپوزیشن قائدین کے ساتھ مذاکرات کرے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر حکومت سرپنچ کے راست انتخابات اور شاہراہوں کے علاوہ دیگر تعمیری کاموں کے لیے فنڈز جاری کرتی ہے تو بی جے پی اس بل کا خیر مقدم کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بی جے پی اس کی مخالفت کرے گی۔ انہوں نے مرکزی حکومت کی جانب سے حج سبسڈی برخواست کرتے ہوئے یہ رقم تعلیم پر خرچ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ برسات کے موسم میں پرانے شہر میں ہوئی اموات میں 60 سالہ وحید خان اور 11 سالہ محمد الطاف بھی شامل تھے۔
मस्जिद सिहाद मुस्लिमीन ने जीएचएमसी महकमे से नुमाइंदगी करते हुए महलुकीन के वर्षा को एक्स ग्रेशिया मंसूर करवाया। 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के चेक्स मरहूम वहीद खान की अहलिया रजिया बेगम और मरहूम अल्ताफ अहमद की वालिदा नसीमा बेगम के हवाले किए गए। इस मौके पर मजलिस हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मोहम्मद खान, मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, मोहम्मद मुबीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज एमटेक फाइनल ईयर के तालिब इल्म शेख अशरफ वल्द शेख लतीफ ने कीबोर्ड टाइपिंग में मुतअद्दिद गिनीज रिकॉर्ड्स दर्ज करवाए हैं। शेख अशरफ ने मजलिस हेडक्वार्टर दारुसलाम में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। बर्दी अजीम तर हैदराबाद की जानिब से साउथ जोन में साफ सफाई के सिलसिले में शौर बेदारी प्रोग्राम स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का अहतमाम किया गया। इस शौर बेदारी प्रोग्राम की निगरानी मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने की, जबकि कमिश्नर बर्दिया बी जनार्दन रेड्डी के अलावा साउथ जोनल कमिश्नर, साउथ जोन से वापस्ता जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स, जीएचएमसी मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर आवाम से भी अपील की गई कि वह शौर बेदारी पर मबनी इस मुहिम में हिस्सा लें और साफ सफाई के अलावा प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करें, नेज शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए अपना भरपूर तआवुन पेश करें। नए साल के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नए साल की डायरी और कैलेंडर तरतीब दिया जाता है, उसे जारी किया जाता है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी मुस्लिम माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तरतीब दी गई डायरी की रस्म रोनमाई मजलिसी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद बलाला और कौसर मोहीउद्दीन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सरनशीन किसान मजदूर मोर्चा कांग्रेस सेल कोडंडा रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को मुखालिफ किसान मुखालिफ गरीब हुकूमत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत सिर्फ वोट बैंक की सियासत पर कारबंद है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के किसानों को फसल के जो नुकसान हुए हैं उसकी फौरी तौर पर पाबजाई की जाए और किसानों के साथ इंसाफ करते हुए इकदाम किए जाए। सरकार फार्मर के अगेंस्ट है, गरीबों के अगेंस्ट है, सिर्फ इलेक्शंस के सिवा ये सरकार को कोई जो है जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं दिखता। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि महकमे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए तजावीज पेश करें और जिन शाहराहों पर आरटीसी बसें फिलहाल नहीं चलाई जा रही हैं, इन शाहराहों पर बसें चलाने के सिलसिले में फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। गुजरात के आजाद रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी ने हैदराबाद में वाकई चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर एमआरपीएस सरबरा कृष्णा मादिगा से मुलाकात की। वादा मीडिया से बात करते हुए मेवानी ने कहा कि हक की ये जद्दोजहद करने वाले कृष्णा मादिगा को जेल में डालना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि दलितों की तहरीक को मुल्क भर में वसत दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से दलितों को 5 एकड़ अराजी फराहम करने का भी मुतालबा किया। Very close to my heart. I am in the state of Gujarat demanding 5 acres of land. He is also asking for the 3 acres of land. So land for the landless is a big issue. If there are 100 Dalits in this country, out of them 70 would be landless. So landlessness amongst Dalit is also a major issue. So that was also the subject of discussion. We also talked about my plan to launch a nationwide youth movement, raising the issue of unemployment. We also talked about the issue of various Dalit issues like policy of reservation, what could be done for the economic upliftment of the Dalit community, how we can talk about
self respect and also for the economic and material issues of the Dalit community. About my visits to Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and all the South Indian states. So how to create a nationwide Dalit movement and the movement of the youth in general, and to ensure that the constitution is 26वें इजलास से आम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िमन में शहर करनूल में जलसे तहफ़ुज़ शरीयत और इस्लाह माशरे का इनेकाद 19 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड करनूल पर होगा। जलसे की सदारत रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। मस्कुरा जलसे से उलमाए इकराम, मशायख़ निज़ाम के अलावा अकाबरीन मिल्लत और दानिशवरान खिताब करेंगे। مقامی مجلس استقبالیہ کمیٹی کے صدر مولانا زبیر احمد خان رشادی اور کنوینر ذاکر احمد رشادی نے امت المسلمین سے شرکت کی اپیل کی ہے، جبکہ خواتین کے لیے علیحدہ نظم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر میر شمس الدین احمد خان اور ڈاکٹر سید حبیب امام قادری کی اقلیتی پسماندہ طبقات پر تحریر کردہ تصانیف، حیدرآباد کے لبات طبقے کے سماجی و معاشی حالات کا جائزہ اور حیدرآباد کے مسلم دھوبی تاریخی سماجی و معاشی حالات کی رسم رونمائی 20 جنوری بعد نماز مغرب میڈیا پلس آڈیٹوریم جامع نظامیہ کمپلیکس گن فاؤنڈری ایبٹس پر کی جائے گی۔ ضلع کلکٹر اور مجسٹریٹ وقار آباد سید عمر جلیل آئی اے ایس رسم رونمائی انجام دیں گے۔ پروفیسر ایس اے شکور ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی صدارت کریں گے، جبکہ پروفیسر مجید بیدار سابق صدر شعبہ عثمانیہ یونیورسٹی اور ایوب علی خان صحافی تبصرہ کریں گے۔ ڈاکٹر جہانگیر احساس اور صحافی محسن خان نے احباب اور اردو دوست حضرات سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ ریاست کی مختلف تکنیکل کمپنیز آئی ٹی آئیز کے ساتھ مختلف اشتراک کرتی ہیں، جن کے ذریعے وہ نہ صرف یہ کہ اکوپمنٹ فراہم کرتی ہیں بلکہ ٹریننگ کا بھی نظم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت آئی ٹی آئی ملے پلی سے ماروتی سوزوکی کمپنی نے اشتراک کرتے ہوئے تقریباً 1.5 کروڑ روپے لاگتی اکوپمنٹ آئی ٹی آئی کے حوالے کیا ہے۔ اس تقریب میں ریاست داخلہ نائنی نرسمہ ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ایک میکینیکل کورس کا افتتاح انجام دیا۔ تقریباً 1.5 کروڑ روپے لاگتی اکوپمنٹ آئی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اس ورکشاپ میں تاحال 29 طلبہ موجود ہیں جنہیں تربیت فراہم کی جا رہی ہے، تاہم مزید دلچسپی رکھنے والے طلبہ آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس موقع پر ملی شری گنڈ اسمبلی جعفر حسین معراج کے علاوہ رکن اسمبلی شریواس گوڑ اور دیگر بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے حج سبسڈی کو برخواست کیے جانے کا مختلف گوشوں سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے، تاہم اس سلسلے میں عازمین حج میں تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ اسپیشل آفیسر ریاستی حج کمیٹی پروفیسر ایس اے شکور نے ریاست کے عازمین سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی تشویش میں مبتلا نہ ہو، چونکہ عازمین حج کے مصارف میں اس سلسلے میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی زائد مصارف اس سلسلے میں ادا کرنے نہیں ہوں گے اور انہوں نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ کچھ ریاستوں میں جو ٹکٹ کی قیمت تھی وہ 1 لاکھ سے زائد تھی، 90,000 بھی تھی، 1 لاکھ بھی تھی، 1 لاکھ سے زائد بھی ٹکٹ کی قیمت تھی، تو حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک سلاب سسٹم کر کے اس ٹکٹ کو 62,065 روپے میں اس سب کے لیے وہ ٹکٹ لاگو کیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے حیدرآباد امبارگیشن پوائنٹ کو 2017 میں کوئی سبسڈی نہیں ملی تھی، کوئی سبسڈی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ ہمارا جو ٹکٹ کا جو ریٹ تھا وہ سبسڈی سے بھی کم ریٹ میں ہمارا ٹکٹ تھا۔ ایسی ہندوستان میں 3 ریاستیں ہیں جن کا ٹکٹ 60,000 روپیے سے 62,000 روپیے تک تھا۔ 3 امبارگیشن پوائنٹ ہے، ایک احمد آباد ہے، حیدرآباد ہے اور بامبئی، ان 3 امبارگیشن پوائنٹ کو کوئی سبسڈی الاٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو میں ریاست کے تمام
आजमीन से ये कहना चाहता हूँ कि इस सब्सिडी के हटाने से हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट के आजमीन को कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों में ये तश्वीश है कि सब्सिडी को निकाला गया तो हज के पैसों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको 2017 में कोई सब्सिडी हमारे आदमीन को, हमारे इम्बार्गेशन से रवाना होने वाले आदमीन को सब्सिडी नहीं मिली थी। तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भी करीब करीब जो लास्ट ईयर के जो हमारे जो अमाउंट पे किए थे लास्ट ईयर 2017 में, जो ग्रीन कैटेगरी में 2,35,150 और अजीदिया में 2,01,080 रुपये का जो अमाउंट पे किया गया था, इस मरतबा भी इंशाल्लाह ताला 2018 में भी थोड़ा बहुत अमाउंट ज़्यादा हो सकता, लेकिन सब्सिडी से हमारे आदमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाचान पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पेश आए एक वाक़े में स्कूल के तालब इल्म जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक के अरविंद नामी तालब इल्म, जो जिसकी उम्र 16 साल बताई गई है, उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे जख्मी किया गया। इस सिलसिले में नाचारम पुलिस ने एक केस दर्ज किया और मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ़ तहकीक़ात है, जबकि जख्मी तालब इल्म को बग़ैर इलाज दवाखाना मुंतकल किया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों शहरों में बड़े पैमाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं जो हालत नशे में गाड़ियां चला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। तफसीलात के मुताबिक इस मुहिम के दौरान तकरीबन 59 केसेस दर्ज किए गए और 34 मोटरकारों के अलावा 25 बाइक्स को भी जब्त किया गया। दरअसल यह भी पता चला है कि सुहानी नामी एक खातून ने ट्रैफिक पुलिस के साथ उलझ पड़ी और वहां पर ड्रामा क्रिएट किया, जिसका बर्थ एनालाइजर पर तकरीबन 61% मीटर बता रहा था। इस सिलसिले में बाद हज़ार मीडिया को तफसीला से भी वाकिफ करवाया गया। प्रगति नगर कॉलोनी जवाहर नगर में वाक़े एक मकान में सरक़ी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान सारखीन ने नकद रकम के अलावा तलाई जेवर का सरक़ा किया। जवाहर नगर पुलिस के मुताबिक प्रगति नगर कॉलोनी में वाक़े एक मकान में सरक़ी की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 5 ग्राम तलाई जेवर, 12 तोला नखरबी जेवर के अलावा 5,000 रुपये नकद रकम का सरक़ा किया गया। जवानगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ तहकीकात है। हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में सालार मिल्लत ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए खवातीन और लड़कियों को सिलाई मशीनों पर तरबियत दी जाती है। तरबियत याफ्तगान में मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सेंटर से फारिग तहसील लड़कियां और खवातीन भी मौजूद थी। अलावाजी अहमद बलाला ने सईदाबाग मंडल में मंजूरा शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम किए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से टीडीएस की अदम अदायगी के खिलाफ इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाई, दफातीर और मकानात पर किए गए धावे। नारायणगुड़ा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे डकैती की वारदात को हल कर लिया, 2 लाख रुपये नकद रकम व दीगर अशिया की गई बरामद।
शमसाबाद मंडल में वाक़ जूनियर कॉलेज में तालबेल शॉर्ट सर्किट की वजह से हलाक। कॉलेज इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम, आरजीआईए पुलिस ने की जब्ते की कार्रवाई। जुबली हिल्स पर बड़े पैमाने पर ड्रंकन ड्राइव मुहिम, 59 केसेस किए गए दर्ज, मोटर कारें और बाइक्स की गई जब्त। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने सिद्दीपेट और तूपरान का किया दौरा, तरक्याती कामों का किया गया इफ्तिताह, 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया गया आगाज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।